अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ब्रदर, ये क्या सीन है आपने लिखा है? पाकिस्तान को ऐसे ट्यूबवेल बनाकर दे सकता हूँ जो 100 साल तक फ्री चलेंगे। जी जी, ये सबसे पहले तो आप अपना नाम वगैरह और कहाँ रिहाइश है, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं ये बताएं। जी बिस्मिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन है, मैं हवेली लखा से। हवेली लखा? हाँ जी हवेली। ये कहाँ पर है? ये दीपालपुर के साथ है। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है, मतलब ये क्या, इसके बारे में हमें गाइड करें, हम आपका जो पैगाम है ना वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो वायरल करेंगे और लोगों को पहुंचाएंगे, ताकि ये जो आप पैगाम जो पहुंचाना चाह रहे हैं तो ये किसी के पास पहुंच जाए, कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाए, तो ताकि ये जो है इसकी तकमील हो सके। तो ये आप बताएं कि इसमें किस तरह आप ये कर सकते हैं, मतलब कि आप वो तरीका बेशक ना बताएं, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है, आपका वो जो है ना ये आपकी ओनरशिप है वो, ठीक है, जो आपका आइडिया है ना वो आप बेशक ना बताएं, लेकिन आप ये इस तरह हमें कोई ये वो तसल्ली से जो है ना तसल्ली को जवाब दे, ताकि किसी को पता चल सके, बाकी आप ये कर सकते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ना जमीन की जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना, हाँ जी, उसको इस्तेमाल करके इसको मैंने तैयार किया है। ठीक है ना, सिर्फ ट्यूबवेल ही आप बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें जो ट्यूबवेल है ना वही चलेगा। अब इसमें यह है कि किसी ने जो किसान हजरात होते हैं उनको ट्यूबवेल बनवाना हो तो आप उनको बनाकर दे सकते हैं? मैं उनको बना के दे सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मुझे कोई ना ऐसी कंपनी मिल जाए या कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो ये इसके जो सामान है वो खुद तैयार करे, फिर वो आगे जो है ना इसके लिए सामान भी तैयार करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बाकायदा एक फैक्ट्री से कोई चीज तैयार करेंगे, है ना? सब ज्यादा इसके लिए जो रवाजमात है वो पूरे करने पड़ेंगे, चीजें बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसमें ये आपने भी पूछा कि इस पे खर्चा कितना आएगा? हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी जो आपको चाहिए? इसकी जो कॉस्ट होगी ना पर वाट तकरीबन 20 रुपए होगी पर वाट, पर वाट के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे पानी का लेवल कम होगा वहाँ पे जो है ना बिजली कम खर्च होगी, तो ट्यूबवेल आपने एक बनाकर देना है तो उसमें जो सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग करके मशीन तैयार करनी है, तो वो टोटल उसकी कॉस्ट क्या है वो बताएं? वही मैंने आपको बताई है, उसकी टोटल कॉस्ट पर वाट के हिसाब से। अच्छा, जितनी हैवी मशीनरी तैयार करेंगे उसके हिसाब से जो है, हाँ, है। पर वाट कितनी होगी? 20 रुपए। 20 रुपए, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, इसलिए तो मैं ये बाहर निकला हूँ कि लोगों को पता रहे ना। सो आप तो आप मेरी आपको सजेशन है कि क्यों ना आप एक काम करें, जितनी भी आप एक अफोर्ड कर सकते हैं आप वो छोटे लेवल पर बनाकर एक प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। मैं तो ये बताएं कि आपको एक मशीन तैयार करनी है उसमें कितनी टोटल लागत आएगी? मैंने आपको पहले इन रुपीज बता दे के फर्ज करो मशीन कितनी है, कितने वाट की बनाएंगे तो उसको कितने आएगी? ये तकरीबन ना 2000 वाट, 3000 वाट, 1000 वाट, ये मुख्तलिफ एचपी के हिसाब से होता है, उसको 20 पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ, उससे वो आ जाएगा, उसका जो खर्चा वो आ जाएगा। तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे? 0333। अच्छा, 6945644, ये मेरा 0333-6945-6444। ठीक है जी, आपका मैसेज जो है ना मैं डिलीवर करूंगा जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह, और आप जैसे हुनरमंद जो है अफराद जो है हमारे कौम का सरमाया है, जिनकी मैं अफसोस के साथ बताऊंगा कि कदर नहीं है इस मुल्क में। नहीं, कदर तो बहुत है, लेकिन नहीं, असल में नहीं, बात नहीं है। स्टेट लेवल पे कदर नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना आपका पैगाम जो है डिलीवर कर देंगे। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह जो है ना कोई आपको जरूर मिलेगा जो आपके मकसद में जो है ना आपको मदद करेगा इसको तकमील के लिए। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।